हेलो एवरीवन, मैं हूं संजू, मेरी विद्या इंटरनेशनल एकेडमी से। यदि आप मेरी विद्या इंटरनेशनल एकेडमी से कोर्स करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं या आप दिल्ली या नोएडा ब्रांच में नहीं आ सकते, तो हम आपके लिए लाए हैं ऑनलाइन कोर्स जिन्हें आप घर बैठे अपने मोबाइल या फ़ोन से सीख सकते हैं और अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो है हेयर एक्सटेंशन की क्लास 1। इसमें आपको टाइप ऑफ परमानेंट हेयर एक्सटेंशन के बारे में बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज का हमारा विषय है हेयर एक्सटेंशन। हेयर एक्सटेंशन नाम सुन के हमारे मन में एक सवाल आता है, एक्सटेंशन क्या होता है। मेनली हेयर एक्सटेंशन, जिसे हम आर्टिफिशियल हेयर इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, इसमें हम आर्टिफिशियल हेयर अपने रियल हेयर के साथ अटैच कर इससे हम वॉल्यूम या लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ परमानेंट हेयर एक्सटेंशन। फर्स्ट हमारा है माइक्रोरिंग हेयर एक्सटेंशन, उसको आई टेप का नाम से भी जानते हैं। सेकंड हमारा नैनोरिंग हेयर एक्सटेंशन। थर्ड हमारा क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन। फोर्थ हमारा यू टेप, या हम इसको ग्लू हेयर एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ हमारा है टेप इन हेयर एक्सटेंशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोरिंग हेयर एक्सटेंशन, जिसे हम आई टेप हेयर एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हेयर एक्सटेंशन है। इसमें आपको बहुत सिंपल एंड कंफर्टेबल भी फील होता है, और इसमें ग्लू को भी यूज़ नहीं किया जाता है। कई बार हम जैसे ग्लू हेयर एक्सटेंशन कराते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे हेयर में ग्लू लग जाता है, जिससे हमारे हेयर डैमेज या ब्रेकेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसको हम घर पे भी इजीली बना सकते हैं। सुटेबल फॉर नॉर्मल टू डेंस हेयर टाइप्स, ये बहुत ज़्यादा आपके हेयर के लिए सुटेबल भी होता है, नॉर्मल सा फील होता है और आपके हेयर में बहुत ज़्यादा घनापन भी दिखाता है। ये बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस का माइक्रोरिंग हेयर एक्सटेंशन है, हर किसी की पॉकेट अलाउड कर जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। नेक्स्ट हमारा है नैनोरिंग हेयर एक्सटेंशन। ये हेयर एक्सटेंशन की दुनिया में एक नया आविष्कार है। ये माइक्रोरिंग से ही इंस्पायर है या प्रेरित है। सबसे पहले हम नैनोरिंग हेयर एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे। नैनोरिंग हेयर एक्सटेंशन क्या होता है? नैनोरिंग हेयर एक्सटेंशन में एक वायर लगा होता है, जिसमें हम अपने हेयर के साथ अटैच कर उसको लॉक कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नैनोरिंग हेयर एक्सटेंशन क्या होता है। नैनोरिंग हेयर एक्सटेंशन में एक वायर लगा होता है, जिसमें हम करते कैसे हैं, थोड़ा सा मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसमें हम अपना एक सेक्शन निकालेंगे। सेक्शन निकालने के बाद टेलकॉम की हेल्प से हम हेयर को लेंगे, और लूप वायर की हेल्प से हम हेयर को लेते हैं और दो स्टोन के साथ, नैनोरिंग के वायर के साथ अपना हेयर को अटैच कर देते हैं और हम इसको लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन। क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन क्या होता है? क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन, ये 100% ह्यूमन हेयर के बने होते हैं। इसमें हम क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन को कर्ल्स कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, या कलर भी इन हेयर पे हम कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने रियल हेयर के साथ बैक कॉम्बिंग की हेल्प से इसको क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन को लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है यू टेप हेयर एक्सटेंशन, जिसे हम ग्लू एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं, या आपको फ्यूज़न हेयर एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं। यू टेप हेयर एक्सटेंशन में हम अपने केराटिन ग्लू की मदद से इसको हेयर के साथ अटैच कर देते हैं। अब हम बात करेंगे टेप इन हेयर एक्सटेंशन की। टेप इन हेयर एक्सटेंशन बेसिकली ये आपका प्री टेप विद मेडिकल ग्रेड ग्लू से बना होता है। ये टू साइड डबल साइडेड टेप की तरह होता है, इसमें दोनों साइड टेप लगी होती है। इसको हम हटाने के बाद उसके सेंटर में हेयर रखने के बाद इसको प्रेस कर देते हैं। डिफरेंट टेक्सचर में ये अवेलेबल है, जैसे कि वेवी, करली, स्ट्रेट में ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए। लेकिन इसको हम ड्राई स्कैल्प पे नहीं कर सकते, ये आपको 8 से 10 या 12 वीक ये स्टे कर सकता है आपके हेयर पे। उसके बाद इसको एक्सटेंशन रिमूव कराने के बाद हमें फिर से रिफिलिंग कराने की नीड हो सकती है। इसको हम इजीली हेड वॉश कर सकते हैं।